विवादित बयान के चलते मुस्लिम समाज कोंडा गांव ने आक्रोश रैली निकालकर नगर के बस स्टैंड में बाबा रामदेव का जलाया पोस्टर। शुक्रवार को मुस्लिम समाज कोंडा गांव ने जुम्मे की नमाज के बाद बाबा रामदेव के खिलाफ नगर में आक्रोश रैली निकालकर बाबा रामदेव के इस्लाम के लिए विवादित बयानबाजी को लेकर जमकर नारेबाजी की तथा स्थानीय बस स्टैंड में पोस्टर जलाया गया। बता दें कि रामदेव के विवादित बयान से आज मुस्लिम समाज में बहुत रोष देखा गया और पतंजलि के सामानों का आजीवन बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इस मामले में कोंडा गांव मुस्लिम समाज के अध्यक्ष मोहम्मद यासीन ने कहा, बाबा रामदेव द्वारा मुसलमानों पर की गई टिप्पणी बेहद ही निंदनीय है। इसका हम विरोध करते हैं और अपने समाज से अपील करते हैं कि पतंजलि के समस्त उत्पादों का बहिष्कार करें। वहीं इस मामले में मुस्लिम समाज के सचिव इरशाद खान ने कहा कि विदेशी सामान को देसी बताकर बेचने वाले बाबा रामदेव का आज हम पोस्टर जलाकर विरोध कर रहे हैं। हरीश कुमार देवांगन की रिपोर्ट। आगे की क्या रणनीति है? आगे क्या रणनीति क्या है, क्या है पूरा मामला, उसको थोड़ा संक्षेप बता दीजिए। मामला यह है कि रामदेव के द्वारा जो है बाड़मेर में मुसलमान धर्म के लिए जो है एक विवादित बयान दिया गया है। अब जो है इनका भी क्रेज लगता है दूसरे बाबाओं की तरह घट रहा है, जिसको ये अपना बढ़ावा करने के लिए इनको एक सस्ता सुंदर मिल जाता है इस्लाम, जिसके ऊपर ये उंगली उठाते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, जबकि इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इनके यहाँ कितनी कुरीतियाँ भरी हुई है, गले तक कुरीतियों से भरे हुए हैं। और ये सलवार पहन के भागने वाला बाबा आज इस्लाम के ऊपर उंगली उठा रहा है, इसका हश्र भी जो है दूसरे जो बाबा आज जेल में पड़े हैं उसी की तरह इसका भी हश्र होगा। ये भी अपने घटिया सामान मिलावटी सामान के चक्कर में एक दिन जेल के अंदर होगा। और आज से मुसलमान समाज अपने समाज के अंदर में इसके पूरे सामानों का बहिष्कार करता है और हम पूरे समाज से अपील करते हैं कि इसके सामानों का, इसके घटिया सामानों का, मिलावटी सामानों का बहिष्कार करें। और मुस्लिम समाज बस्तर संभाग हमारा यहाँ पर एक सबसे बड़ा संभाग का जो मुखिया हमको अभी अगले जो आगे जो निर्देश देगा उसके निर्देश पे हम लोग इस पर और भी जो है कार्रवाई करेंगे और इसको जो है इस्लाम धर्म के ऊपर उंगली उठाने पर जो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम से बांटते हैं, लोगों को लड़वाते हैं, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, यही मुसलमान समाज की मांग है और हम इसके पूरे सामानों का आज से बहिष्कार करते हैं।